विंध्यापुर नामक राज्य का पालन रंजित वर्मा नामक एक राजा करता था। उस राज्य का वही एक अमीर आदमी था। उसका कौशल वर्मा नामक एक बेटा भी था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। उस राज्य में पानी की समस्या थी, इसी कारण सभी पानी को बहुत दूर से लाते थे। पर वहाँ के राजा ने कभी भी पानी की समस्या को ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। उसके बाद वो राजा उनके आखिरी दिनों में सेहत बिगड़ जाने के कारण घर पे ही रहते हैं और उनका बेटा कौशल उस राज्य का पालन करने लगता है। एक दिन कौशल और उसकी बीवी उनके पिता के पास जाते हैं। उन्हें दुखी देख राजा कहते हैं, बेटा मुझे देख तुम लोग ऐसे दुखी मत हो। हमारे राज्य में एक जादुई कुआ है और इसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर तुम लोग पता कर पाए कि वो कहाँ है तो इस राज्य में सबसे अमीर बन जाओगे, क्योंकि उस कुएं से तुम्हें अनगिनत और अकल्पनीय पैसे मिलेंगे। वो हासिल करके तुम दोनों हमेशा के लिए खुश रह पाओगे। ठीक है पिताजी, आपके ही तरह मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। ये कह के वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही राजा रंजित वर्मा गुजर जाते हैं। एक दिन कौशल वर्मा और उसकी बीवी दोनों राजा के उस रहस्य के बारे में सोचने लगते हैं। पद्मा, वो जादुई कुआ कहाँ है ये हमें कैसे पता चलेगा? आपके पिता ने उसके बारे में किसी को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें सारा पैसा अपने लिए चाहिए था, पर आखिर में उन्हें पता ही नहीं चला और वो ऐसे ही चल बसे। आप भी उनकी तरह मत कीजिए। मतलब सबको बता दूं उस जादुई कुएं के बारे में? हाँ जी, अगर सिर्फ हम दोनों ढूंढेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेगा, पर अगर हमने प्रजा से कहा कि अगर वो ढूंढ पाएंगे तो उनकी पानी की समस्या हम ठीक कर देंगे और उन्हें ये भी बताएंगे कि जो आदमी कुएं को ढूंढ निकालेगा उसे आपकी जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा, तब पक्का हमें उस कुएं के बारे में पता चलेगा और इस राज्य में सभी खुश रहेंगे। हाँ ये सही है, ठीक है पद्मा। उसकी पत्नी की बातों के अनुसार ही राजा उसके सेवकों के द्वारा प्रजा को विज्ञाप्त करवाता है। उस घोषणा को सुनते ही प्रजा उस कुएं को ढूंढने लग जाती है। उसी राज्य में सुरेश और प्रताप नामक दोस्त रहते थे। वो एक गांव से दूसरे गांव को बैलगाड़ी में लोगों को लेकर जाते थे। एक दिन वो दोनों पानी लेकर गांव वापस जा रहे थे। अरे प्रताप, क्या तुमने राजा की घोषणा सुनी है? नहीं सुरेश, क्या है वो? अरे ये कि हमारे गांव में एक जादुई कुआ है और जो उस कुएं को ढूंढ निकालता है उसे राजा के जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। सुरेश, हर रोज ऐसे दूसरे गांव को जाना मुश्किल हो रहा है। अगर हम उस जादुई कुएं को ढूंढ पाएंगे तो हमें पानी के लिए ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और हमारे साथ ही हमारे गांव वाले भी खुश रहेंगे, इसीलिए हमें उस कुएं को हर हाल में ढूंढना होगा। ये फैसला करके दोनों दोस्त उस जादुई कुएं को ढूंढने में लग जाते हैं। उनके बैलगाड़ी में पानी को ले जा रहे थे। सुरेश कुछ दिनों के लिए एक ही जगह पर एक कुएं को खोद के उसमें पानी भर देंगे, तब हमें हर रोज ऐसे पानी के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसे हम एक दिन में उस कुएं को भर के उस भरे हुए पानी को खत्म होने तक उपयोग कर पाएंगे। ये एक अच्छा विचार है प्रताप, चलो हम तुरंत एक कुएं को खोदते हैं। ये फैसला करके दोनों उनके घर पहुंचकर वहीं पास में कुएं को खोदने लगते हैं। खोदते हुए उन्हें अचानक कुछ कठिन पत्थर जैसे मिलता है। सुरेश ये देखो, यहाँ एक कठिन पत्थर जैसा कुछ है जो बीच में है, इसे निकालने के बाद ही हम और गहरा खोद पाएंगे। ठीक है प्रताप। जब वो दोनों उस पत्थर को निकालते हैं तो उन्हें जमीन के नीचे एक कुआं दिखाई देता है और उसे देख वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रताप ये देखो, इस पत्थर के नीचे तो एक कुआं है। हाँ, अरे हाँ, ये तो सच में एक कुआं है। जमीन के नीचे कुएं को देख मैं भी आश्चर्यचकित हूँ और देखो ये पानी देखने में भी कितना साफ है।
अब हमें कुएं को खोदने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं कि उस कुएं का पानी पीने लायक है भी कि नहीं। ऐसे वो एक मटके को रस्सी से बांध के उसे कुएं में डालकर उसमें पानी भरते हैं और उस पानी को बाहर निकाल के दूसरे मटके में डालते हैं। उस पानी को पीने ही जाते हैं कि वहाँ पानी की जगह सोने को देख वो दोनों चौंक जाते हैं। अरे ये कौन सी माया है, पानी सोना कैसे बन गया? ये मुमकिन भी है? शायद यही वो जादुई कुआ है, इसीलिए यहाँ का पानी भी सोना बन गया। एक और बार उस कुएं से पानी बाहर निकालकर देखते हैं। चलो। इस बार वो पानी को मटके से बाहर निकालकर उसे जमीन पे बहला देते हैं। जमीन पे पानी उनकी आंखों के ठीक सामने सोने में बदल जाता है। ये देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे वो खुशी खुशी कुएं से पानी निकालकर उसे जमीन पे बहने देते हैं। सुरेश, ये वाकई ही जादुई कुआ है। हमने इस कुएं के लिए जमीन के ऊपर तो बहुत ढूंढा, लेकिन जमीन के नीचे नहीं ढूंढा। अगर हमने आज कुएं के लिए खोदा नहीं होता तो ये कुआं हमें शायद कभी नहीं मिलता। हाँ प्रताप, मेरे हाथ बहुत दर्द दे रहे हैं। आज के लिए इतना सोना काफी है, कल यहाँ से कुछ और सोना लेकर जाएंगे, ठीक है? ये क्या बात हुई सुरेश, हम इसके बारे में राजा को नहीं बताएंगे क्या? क्योंकि तब वो हमारे पानी की समस्या का हल निकालेंगे और सारी प्रजा खुश रहेगी। प्रताप यार, दूसरों के बारे में हम क्यों सोचें? हम दोनों की खुशी बस है ना, इसीलिए हमें इस कुएं के बारे में किसी को बताना नहीं होगा। सुरेश, हमारे साथ साथ मुझे इस राज्य में भी सभी की खुशी जरूरत है, इसीलिए तुम आओ या ना आओ, मैं तो राजा से ये कहने जा रहा हूँ। और ऐसे प्रताप वहाँ से चलने लगता है। अगर प्रताप ने राजा से इस जादुई कुएं के बारे में कह दिया तो वो सारा उन्हीं का हो जाएगा और मैं उस कुएं से कुछ नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए मुझे मेरे दोस्त को राजा के पास जाने से पहले ही रोकना होगा और उसे कैद करना होगा। इतने सोने से तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। ये फैसला करके वो उसके दोस्त को कैद कर देता है। उसके बाद से सुरेश हर रोज कुएं से कुछ सोना लेकर जाता था। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। बहुत दिनों से प्रताप के घर ना जाने के कारण उसकी बीवी चिंतित होती है और राजा के पास जाती है। राजा जी, मेरे पति सुरेश के साथ बैलगाड़ी चलाते हैं, वो कुछ दिनों से घर नहीं लौटे हैं और मुझे सुरेश पे शक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माता, आप फिकर ना कीजिए, मैं आपके पति को सही सलामत आपके पास लौटा दूंगा, आप हिम्मत से काम लीजिए। राजा के ऐसे कहने पर वो वहां से चले जाती है। सेवकों, सुरेश नामक आदमी का पता करके कुछ दिन उसका पीछा करो। जी प्रभु। राजा के आज्ञा के अनुसार ही सेवक सुरेश का पीछा करते हैं। एक दिन सुरेश रात के समय में उस जादुई कुएं के पास जाकर उसमें से पानी निकालकर उसे जमीन पे बहलाता है। पानी को सोने में बदलने के तुरंत बाद उसे वहां से लेकर जाता है। सेवक ये सब देख उसका पीछा करते हैं। सुरेश वो सोना लेकर उसके दोस्त के पास जाता है। ये देखो प्रताप, तुमने मुझे क्या करने पे मजबूर कर दिया। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो मेरे साथ तुम्हें भी ये सोना मिलता, लेकिन तुमने नहीं सुना और ये सारा सोना मेरा हो गया। ऐसे जब वो प्रताप से बात कर रहा था, उसके पीछे से राजा के सेवक आते हैं। प्रताप को मुक्त करके उन दोनों को राजा के पास ले जाकर उन्हें जो कुछ भी हुआ बताते हैं। सुरेश, ना ही तुमने मुझसे कुएं की बात छुपाई, बल्कि तुमने जिस आदमी को सच कहना था उसे भी कैद कर दिया। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त को मेरे जायदाद का आधा हिस्सा दूंगा। प्रभु, मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, बस आप मेरे दोस्त को उसकी गलती के लिए माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बार के लिए कर दूंगा और तुम्हें मेरे जायदाद का आधा हिस्सा भी दूंगा। राजा सुरेश को माफ करके उसका पूरा सोना हासिल कर लेते हैं। राजा के माफ करने के बावजूद सुरेश को बहुत दुख होता है कि उसका पूरा सोना चला गया। उसी दुख में वो वहां से चले जाता है और प्रताप को दिए हुए वचन के अनुसार उसे उनकी जायदाद का आधा हिस्सा देता है
और वो वहां से खुशी खुशी चले जाता है।